Now in today lecture we will start question practice on aromatic. First question is that nitrobenzene when Fe or HCl X HNO2 or H plus Y or this one is Z. What will be formation of X Y and Z? Write down करो जल्दी से क्या होगा X X जल्दी बताओ क्या होगा एक्स क्या बनेगा व्हाट विल फॉर्म एक्स नाइट्रोबेंजीन अगर FeHCl रिएजेंट दिया जाए तो हम उसको किसे बदल देंगे एनिलीन में तो नाइट्रोबेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन NH2. Now HNO2, the X will be aniline. HNO2 or H plus will be converted aniline into diazonium salt, N2 plus. Diazonium salt. When treated with phenol, this one phenol. When treated with phenol, this one is phenol. मैंने diazonium salt का phenol के साथ और aniline के साथ दोनों का reaction करवाया है मैंने. इसके साथ भी और इसके साथ भी reaction करवाया है. इसके साथ भी इसका रिएक्शन करवाया है और इसके साथ भी रिएक्शन करवाया है. ये जो है एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल हो गया. इसके पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा कपलिंग. ये OH हो जाएगा और इसके पैरा पोजीशन पे ये नाइट्रोजन लग जाएगा. एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल हो गया जो इसके पैरा पोजीशन पे लगेगा. ये हमारा रिएक्शन हो गया और ये हमारा एनिलीन है तो यहां पर एनिलीन में पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और यहां पर N डबल बॉन्ड N और यहां पर रिंग. तो हमने NO2 से एनिलीन में बदला नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदला फिर डाइजोनियम सॉल्ट में बदला. फंक्शन याद होना चाहिए HNO2 का फंक्शन क्या है. फिर हमने फिनॉल का अटैक करवाया. फिनॉल का करवा लो या किसका करवा लो एनिलीन का करवा लो दोनों एक ही टाइप के रिएक्शन होते हैं. राइट डाउन करो इसको. चलो तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हमने ऑलरेडी टीच किया है. एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या है तो उसको करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का हम रिएक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन एरोमेटिक में करते हैं कि एरोमेटिक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन रिएक्शनों को थोड़ा हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. अगर कॉम्प्लेक्सिविटी थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो कैसे हम करेंगे. तो हेडिंग डाल लो आप एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक फॉर एनुलिन एंड जुलिन. हेडिंग डाल लो. थोड़ा सा लेबल उठा के बता रहे हैं. मतलब एक तो हमने नॉर्मल एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमने जाना है क्या है. अब थोड़ा सा उस क्वेश्चन को करते हैं जहां एक्सेप्शन वगैरह आते हैं जहां थोड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ता थोड़ा एडवांस टाइप का है. तो हेडिंग डाल लो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक. किसके लिए हम देखेंगे तो पहले हम एनुलिन के लिए देखेंगे. एनुलिन फॉर एनुलिन फॉर एनुलिन एंड हम देखेंगे एजुलिन के लिए. एजुलिन एनुलिन एंड एजुलिन इसके लिए देखेंगे. तो देखो यहां पे तो एरोमेटिक कंपाउंड. अच्छा एनुलिन कब बोलेंगे हम तो एनुलिन में एक मोनोसाइक्लिक रिंग होना चाहिए. मोनोसाइक्लिक रिंग होना चाहिए. एक मोनोसाइक्लिक रिंग होना चाहिए जिस पर कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए.
अल्टरनेट डाई इन होना चाहिए, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एनुलिन। पहले हम एनुलिन का ही देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। हम एनुलिन के लिए देखेंगे, एक मोनोसाइक्लिक रिंग होना चाहिए, एक ही रिंग होना चाहिए, दो रिंग नहीं चलेगा, और उस पर अल्टरनेट डाई इन होना चाहिए। जैसे पहला अगर हम एग्जांपल ले तो मिनिमम थ्री मेंबर्स, हम चार मेंबर से स्टार्ट करेंगे। ये है मोनोसाइक्लिक रिंग और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो इसको हम नाम जो देते हैं फोर एनुलिन बोलते हैं, फोर एनुलिन, फोर एनुलिन। ये चार पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका फोर नाम पड़ा हुआ है, फोर एनुलिन बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर मान लो बेंजीन रिंग ही हुआ, मोनोसाइक्लिक रिंग है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे सिक्स एनुलिन, इसको हम बोलेंगे सिक्स एनुलिन, ठीक है। अगर मान लो एट मेंबर रिंग हुआ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको हम बोलेंगे एट एनुलिन, एट एनुलिन। तो इसको हम एनुलिन के कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम एनुलिन के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेन एनुलिन, इसको हम बोलेंगे टेन एनुलिन। टेन क्यों? क्योंकि टेन पाई इलेक्ट्रॉन है, टेन पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको टेन एनुलिन का नाम बोलेंगे। दिस वन इज नोन एज टेन एनुलिन। अगर हम बात करें ऐसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो 14 हो गया, 14 एनुलिन बोल देंगे। यहाँ पर अगर 12 आएगा तो 12 भी बोल देंगे, ऐसा करते हैं इसको 12 ही लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः 12, इसको बोलेंगे 12 एनुलिन। और भी होंगे इसमें, वो भी और आगे देखेंगे हम, पहले इतना देखते हैं। अब एनुलिन, तो एनुलिन तो समझ में आ गया हो क्या ये,
अब इसमें हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखेंगे और एंटी एरोमेटिक। तो इसके बारे में तो हमें जानना कुछ और नहीं है, पहले से हम जानते हैं इसके बारे में। ये 4 pi इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का बेसिक जो डिफिनेशन हकल्स रूल वो सब आपको मालूम है, बस हम यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस वर्जन में देख रहे हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ 4 pi इलेक्ट्रॉन है तो बताओ जल्दी से क्या होगा। पहला एग्जाम्पल बताओ एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। फर्स्ट एग्जाम्पल एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, क्या है? रिजोनेंस है लेकिन 4 pi है, कंजुगेशन तो है लेकिन 4 pi है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। मैं शॉर्ट में लिख दिया ए, एंटी एरोमेटिक होगा ना, क्योंकि रिजोनेंस है। बताओ बेंजिंग रिंग क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक है। बेंजिंग रिंग क्या है? बेंजिंग रिंग एरोमेटिक होगा, केवल ए मैं लिख दे रहा हूं एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक को ए लिखूंगा। अब यहां ध्यान दो, 8-anulin, ये क्या है? 8-anulin, 8-member ring, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? क्या ये श्रेया, ये एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? बताया था ना ये टॉप शेप का होता है, एक बार ध्यान रखो इस चीजों को, क्यों ऑर्गेनिक को ऐसे कर रहे हो? ऑर्गेनिक वो जो बार बार रिवाइज करो उसको, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये जो है टॉप शेप में होता है और ये नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने के वजह से इसमें रिजोनेंस नहीं हो पाता है, कभी नॉन प्लेनर में रिजोनेंस होता है क्या? कभी नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें रिजोनेंस होगा ही नहीं, तो हम एंटी एरोमेटिक का बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम किसका बात करेंगे? नॉन एरोमेटिक का, ठीक है। कुछ कुछ महानुभाव ऐसे हैं, प्रणव पाटिल, ये एंटी एरोमेटिक तुम्हें दिख रहा है, सोएब, ये एंटी एरोमेटिक है, किस हिसाब से देख रहे हो? और ये ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, कुछ कुछ सही बोले हो, ये श्रेयस इसका सही है, ये बताने के बावजूद भी गलती करोगे तुम्हें कभी रैंक आएगा तुम्हारा, मार्क्स आ पाएगा, कहाँ से सिलेक्शन होगा? जो चीज़ें पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 8-membering टॉप शेप होता है, नॉन प्लेनर होता है, रिजोनेंस होता नहीं है। अब उसके में रिजोनेंस जब होता नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, इसके बारे में ऑलरेडी अब डिस्कस हो चुका है। जब ये क्वेश्चन आएगा और गलती करोगे तो कहाँ से मार्क्स आएंगे? तो कहने का मतलब है ये एंटी एरोमेटिक है, मैं लिख दे रहा हूं, दिस वन इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, दिस वन इज नॉन एरोमेटिक। यहां देखने में लग रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो 4-anulin, 6-anulin और 8-anulin, अब यहां हम बात करेंगे। चलो इसके बारे में बताओ क्या है, क्योंकि यहां तक तो 3 हमने बताया था ऑलरेडी, इसके बारे में तो बताने का हमें जो था नहीं, लेकिन हम एनुलिन के बारे में बता रहे थे इसलिए डिफिनेशन हमने दे दिया कि एनुलिन की एक्चुअली डिफिनेशन क्या है, किसको हम एनुलिन बोलते हैं, तो इसी को हम एनुलिन बोलते हैं। अब देखो यहां पर बताओ कितने रिंग है यहां पे, ये मेरे को बताओ पहले कि ये एनुलिन है या नहीं है। तो एनुलिन के लिए क्या चाहिए? मोनोसाइक्लिक रिंग चाहिए, एक ही रिंग चाहिए। क्या एक रिंग है या दो रिंग है या कितना रिंग है? ये रिंग कितना है, एक रिंग है या दो रिंग है? एक रिंग है, तो मोनोसाइक्लिक रिंग है, और अल्टरनेट डाई है ना, है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब हमें यहां देखना है कि क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो हम आज के एग्जाम्पल में 1, 2 और 3 को नहीं बताने जा रहे थे, हम 4th को ही एक्सप्लेन करने वाले थे, लेकिन हम पहले डिफिनेशन आपको बताए एनुलिन का, डिफिनेशन क्या होता है। तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ एनुलिन,
ये एनोलिन के टाइप में आता है। अब मुझे बताओ ये क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एक आंसर आया सिद्धार्थ का सही है, सोहम का आंसर आया गलत है, सोएब का गलत है। चलो बताओ सिद्धार्थ कैसे सही है, कैसे ये उसने बोला नॉन एरोमेटिक है, बताओ कैसे ये नॉन एरोमेटिक है? सही है, ये नॉन एरोमेटिक है, बिल्कुल करेक्ट है, नॉन एरोमेटिक है, दिस वन इज नॉन एरोमेटिक। आज के क्लास में हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि आज हम उस क्वेश्चन को करेंगे जहां टिपिकल है, जहां देखने में है लेकिन है नहीं वहां, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम यहां उठाए। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जो बेसिक डिफिनेशन था हमने वो सब कर लिया है, यहां पर उस क्वेश्चन को उठाएंगे जहां पर बच्चों का गलतियां होती है, जहां देखने में लगता ये है लेकिन होता ये नहीं है। श्रेयस का सही है, एट कार्बन, यहाँ एट कार्बन है, एट साइक्लिक कंपाउंड है, नॉन प्लस हो नॉन एरोमेटिक। उसके बाद ये लिखो नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है दिस वन, दैट्स वाई रेजोनेंस विल बी नॉट अकर, एंड रेजोनेंस विल बी नॉट अकर, दैट्स वाई दिस वन इज नॉन एरोमेटिक। उसमें जो ये श्रेयस उसमें ऐड कर लो ये चीजें, दिस वन इज नॉन प्लेनर एंड रेजोनेंस विल बी नॉट अकरिंग इन, रेजोनेंस विल बी अकरिंग इन प्लेनर कंपाउंड नॉट इन नॉन प्लेनर। चलो इसमें बताओ ये क्या नाम था, सिद्धार्थ, सिद्धांत, ये बताओ मेरे को फोर्थ नॉन एरोमेटिक क्यों है? तुमने बोला है केवल तुम ही बोले हो कि नॉन एरोमेटिक है। चलो देखने में क्या लग रहा है, दो दो चार छ आठ दस इलेक्ट्रॉन लग रहा है, देखने में दस इलेक्ट्रॉन लग रहा है और है भी दस इलेक्ट्रॉन, देखने में लग क्या रहा है, और रेजोनेंस में भी है, तो कोई बोलेगा कि एरोमेटिक है, कोई बोल देगा एरोमेटिक है, कोई मतलब जो जो तुम लोग अभी इस कंडीशन में बोल रहे हो एरोमेटिक है, लेकिन आगे से इसको एरोमेटिक मत बोलना, इसको नॉन एरोमेटिक बोलना। अब सुनो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अब मुझे ये बताओ कि ये 10 मेंबर रिंग में सिस ट्रांस होता है, होता है ना? ध्यान से सुनना और लिखना एक एक बात को, एक एक एक्सप्लेनेशन को लिखना, क्योंकि इसके पहले एक्सप्लेनेशन देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम एक्सप्लेनेशन यहां से देंगे। ये 10 मेंबर रिंग है तो सिस ट्रांस तो होता होगा, होता भी है, तो ये बताओ ये कार्बन यहां पर सिस बना रहा है या ट्रांस बना रहा है, मुझे ये बताओ ये कार्बन यहां पर सिस बना रहा है या ट्रांस बना रहा है, ये कार्बन यहां पर सिस बना रहा है या ट्रांस बना रहा है, जल्दी से बताओ मेरे को, ट्रांस बना रहा है, क्योंकि ये यहां पर ये इधर है और ये इधर है ना, दिख रहा है ना, ये इधर इधर है, तो यहां पर हाइड्रोजन होगा और यहां पर हाइड्रोजन होगा, ट्रांस है तो उल्टा उल्टा होगा ना, ट्रांस है तो उल्टा उल्टा होगा, होगा नहीं होगा, तो ये इधर है तो ये इधर होगा, ये इधर है तो ये इधर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ यहां पर जो कार्बन है वो कहाँ है, सिस में है या ट्रांस में है, यहां वाला कार्बन सिस में है या ट्रांस में है, यहां वाला कार्बन सिस में है ट्रांस में, जल्दी से बोलो, ट्रांस में, क्योंकि यहां पर ये इधर है और ये इधर है ना। अब देखो ये वाला कार्बन सिस में है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इधर ही है तो ये ट्रांस में, तो ट्रांस में तो इधर ये है तो हाइड्रोजन इधर होगा, ये ग्रुप इधर है तो हाइड्रोजन इधर होगा। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों ट्रांस में थे, अब होता है क्या, ध्यान से सुनना, मैं यहां एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। अच्छा ये एनुलिन का मीनिंग समझ में आ गया ना, एनुलिन किसको बोलते हैं, रिंग एक ही होना चाहिए, ध्यान रखना रिंग एक ही होना चाहिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये सब एनुलिन का एग्जाम्पल है। अब होता है क्या, ध्यान से सुनना, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, पहला पॉइंट, ये ड्यू टू वैन डर वाल रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ये तो सुनने में अजीब सी बात लग रही है कि हाइड्रोजन भी रिपल्सन करता है क्या, साइज छोटा होता है वो कैसे रिपल्सन करेगा, तो
पहले हम समझाएंगे इस चीज को कि कैसे वो रिपल्सन देता है, पहले समझ लो क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही साइड हो जाते हैं, इसके वजह से वो रिपल्सन देने लगते हैं। छोटा साइज होकर भी रिपल्सन दे रहा है, अजीब सी बात है। देगा, हम समझाएंगे कैसे देगा। रिपल्सन देने के वजह से ये जो होता है रिंग, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जैसे ये वाला जो है, ये जो मैं डार्क मार्कर दे रहा हूं, वो सोच लेना कि बोर्ड के लाइन में है, ये बोर्ड के लाइन में है, और ये उठ के ऐसे चला आता है, सामने चला आता है, यहां पे इमेजिन कर लेना, ये उठ के यहां चला आता है, ये आउट ऑफ प्लेन चला आता है। ये तुम्हें दिख रहा है कि प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल में प्लेनर है नहीं। इस हाइड्रोजन के रिपल्सन के वजह से, हाइड्रोजन भी रिपल्सन यहां देगा, वो बात करेंगे। यहां हाइड्रोजन के रिपल्सन के वजह से, इस रिपल्सन को बोलेंगे वैन डर वाल रिपल्सन के वजह से, ये गो यहां चला आता है, ये ऐसे नहीं है, ये यहां चला आता है, और जैसे आउट ऑफ प्लेन चला आता है, रेजोनेंस वहीं रुक जाता है उसका। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ड्यू टू वैन डर वाल रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिंग बिकम आउट ऑफ प्लेन, रिंग आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ड्यू टू डैट एंड वी नो डैट एंड वी नो डैट रिजोनेंस विल अकर इन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। रिजोनेंस तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होगा, सो रिजोनेंस विल नॉट अकर। इसीलिए ये जब रिजोनेंस होगा ही नहीं, तो जब रिजोनेंस होता ही नहीं है, तो एक ही चीज आता है, नॉन एरोमेटिक। एंटी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, एंटी में तो रिजोनेंस होता है, एंटी में रिजोनेंस होता है, ध्यान रखना, नॉन में रिजोनेंस नहीं होता है। तो इसीलिए जब रिजोनेंस होगा ही नहीं, यहां भी रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो हम इसको नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात, ये तो समझ में आ गया होगा, अब दूसरा बात समझाते हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आ गया, टाइप शेप होता है और ये भी नॉन प्लेनर होता है। तो ये तो समझ में, ये तो पहले हमने डिस्कस किया था, ए 10 एनुलिन का हमने डिस्कशन नहीं किया था। तो अब ध्यान से सुन, हो गया ना इसका एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान से सुनो कि यहां पर जो है, यहां पर ये हाइड्रोजन कैसे रिपल्सन दे दिया, हम तो जानते हैं कि बल्की ग्रुप देता है, ये हाइड्रोजन कैसे रिपल्सन दे रहा है। अब ध्यान से सुनो, हट नहीं रहा है, इसको यही पर एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं, ये निकल नहीं रहा है। कोलिन। अब यहां ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन कैसे रिपल्सन दे दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो है डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो हम इसके बारे में देख रहे हैं कि रिपल्सन ये कैसे, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, इतना ही एक्सप्लेनेशन है इसका, ये इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखने का इसको। कभी भी 10 एनुलिन आए तो आप बोलना नॉन एरोमेटिक है, इसका एक्सप्लेनेशन इतना हो गया, चार एक्सप्लेनेशन काफी है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर यहां पर ये हाइड्रोजन कैसे रिपल्सन कैसे दे दिया इसने, हाइड्रोजन भी रिपल्सन देता है क्या, ये तो छोटा साइज का होता है। अब देखो क्या होता है, होता ये है कि ये जो डिस्टेंस होता है इसके और इसके बीच में, वो डिस्टेंस कम होता है, और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का वैन डर वाल रेडियस जब निकाला जाता है, तो ये रेडियस इस डिस्टेंस से, हम बस इतना लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन, कौन से दो कार्बन, ये वाला दो कार्बन, ये दोनों,
डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन ये ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया वैंडरवाल रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन को वैंडरवाल रिपल्शन। तो जब इनका वैंडरवाल रेडियस निकाला जाता है हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का और दोनों का सम किया जाता है, तो ये वैंडरवाल रेडियस जो होता है दोनों का सम करने के बाद ये डिस्टेंस ज्यादा गिर जाता है और ये डिस्टेंस कम गिर जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन यहां पर रिपल्शन देता है, इसीलिए बोला जाता है कि हाइड्रोजन रिपल्शन देता है। समझ में आ गया होगा तो इसको लिख लेना, इसीलिए बोलते हैं कि ये वैंडरवाल रिपल्शन देता है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब कैसे चेक किया जाता है, तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होता है एनएमआर, वो हमें पढ़ना नहीं है, वो सब एनएमआर टेक्नोलॉजी से सब चेक किया जाता है, एनएमआर टेक्नोलॉजी से सब चेक किया जाता है कौन रिजोनेट है कौन रिजोनेंस है कौन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो फिर आप इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, नेक्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। तीसरा, कब तक हम इसका रिपल्शन लेते रहेंगे, कब तक आखिर कब तक लेंगे, तो इसके 10 के बाद जैसे 12 आ गया, 12 एनिलीन, इसमें आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन नहीं लेना है, ये रिपल्शन 10 तक ही रहेगा। यानी यहां पर एक कंडीशन है कि रिपल्शन कहां तक देखा गया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का केवल 10 एनिलीन तक देखा जाता है। 10 एल्यूमिन के बाद यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रिपल्शन नहीं देखा जाता है, लिख के भी देगा ना तो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन नहीं देखना है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन नहीं देखना है। उसका रीजन ये है कि जो डिस्टेंस होता है वो उससे ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू वैंडरवाल रेडियस, दोनों के रेडियस से, इसीलिए वहां रिपल्शन, एक तो हाइड्रोजन छोटा है तो ये एक्सेप्शनली केस है, यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट डाउन इसको। तो किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम 12 वाला पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, 12 वाला अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, 12 वाला आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते। कोई डाउट है इसमें, ड्यू टू वैंडरवाल रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिंग विल बी आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन समझ में आ गया ना, ये जो है ये प्लेन में होगा और ये ऐसे निकल जाएगा, सोचो थोड़ा इमेजिन कर लो, ये निकला हुआ ऐसे तो निकलेगा तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो रिजोनेंस रुक जाएगा वहीं पे, अल्टरनेट रहने का क्या फायदा हुआ जब रिजोनेंस ही आउट ऑफ प्लेन चला, रिंग ही आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो रिंग आउट ऑफ प्लेन जाने से रिजोनेंस नहीं होता है, रिजोनेंस एक ही प्लेन में रहता है तब होता है, आउट ऑफ प्लेन जाता है तो रेजोनेंस नहीं होता, ये नहीं कि पीएक्स में और पीवाई में रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा नहीं होता, इसलिए जब रेजोनेंस रुक जाता है तो नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। दूसरा बात, ये डाउट हमारा मन में आना चाहिए कि हाइड्रोजन रिपल्शन देता है क्या, हाइड्रोजन तो साइज छोटा होता है, हाँ देगा, कौन सा रिपल्शन, वैंडरवाल रिपल्शन, ये दो कार्बन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है और जब हम दोनों वैंडरवाल रेडियस कैलकुलेट करेंगे दोनों का सम निकालेंगे, ये सम का डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर रिपल्शन का हम बारे में बात करते हैं और ये वैंडरवाल रिपल्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर रिपल्शन बोलते हैं, इसीलिए आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम 10 के बाद 10 एल्यूमिनियम के बाद हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन नहीं देखा करेंगे, इसलिए नहीं देखा करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इनके वैंडरवाल रेडियस से ज्यादा होता है, इसीलिए हम 10 के बाद 12 में 14 में 15 में हम नहीं देखा करते हैं, वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता है, ये आउट ऑफ प्लेन यही जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बात करते हैं कि ऐसा हम करते हैं कि क्यों ना हम इस हाइड्रोजन को हटा के और एक ही ग्रुप लगा दे, दो हाइड्रोजन को हटा के एक ग्रुप लगा दे, ऐसा हम कर सोच सकते हैं, दो हाइड्रोजन को हटा के एक ही ग्रुप लगा दिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, ये डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ये दो हाइड्रोजन को हटा के क्यों ना हम ऐसा करें, दिख रहा है ना, ये दो हाइड्रोजन को हटा के क्यों ना हम ऐसा करें कि यहां पर प्रॉब्लम किसके वजह से क्रिएट हो रहा था, ये दो हाइड्रोजन का वैंडरवाल रेडियस की वजह से, हम एक ऐसा यहां पर एटम रख दें जिसका रेडियस
जिसका रेडियस एक ही एटम रखें, क्योंकि दो हाइड्रोजन को जो सबसे छोटा होता है उनका सम इनसे बराबर हो जा रहा है, तो हम ऐसा एक एटम को रख देते हैं जिससे कि उसका रेडियस इससे कम पड़े, तो वहां रिपल्सन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहां पर एक आपको ग्रुप लगा दिया जाएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब इसको यहां पर एक ग्रुप डाल दिया जाएगा, यहां पर एक ग्रुप लिख दिया जाए, यानी ब्रिज एटम के जैसा वो काम करने लग गया। अब यहां पर जो ग्रुप है उस ग्रुप के जगह पे या तो आप CH3 रख लो या सल्फर रख लो, एक ही एटम रखना है CH3। तो अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैं बात करूं यहां पर रख दूं CH3, यहां पर मैं बात करूं CH3 रख दूं, CH3 या नहीं भी CH2 आएगा, अगर नहीं भी लिखूं तो मैं केवल ब्रिज लगा दूं ऐसे, यहां नहीं भी लिखे तो चलता है, और यहां पर क्या होगा डबल सिंगल डबल। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये जिसके वजह से रिपल्सन कर रहा था, अब ये CH3 का जो साइज होगा इस रेडियस से कम होगा, इसलिए इसको आउट ऑफ प्लेन नहीं जाने देगा, यानी आउट ऑफ प्लेन जाने से रोक दिया, क्योंकि इसका जो साइज होगा इसके रेडियस से मतलब इस डिस्टेंस से क्या होगा कम होगा, इसीलिए आउट ऑफ प्लेन नहीं जाने देगा और ये रिंग हो जाएगा एरोमेटिक, ये रिंग हो जाएगा एरोमेटिक। यानी 10 एनुलिन में अगर यहां दोनों एटम पर क्या लग गया, कोई ग्रुप लग गया, ठीक है, यानी ब्रिज एटम के जैसा काम कर गया वो, तो ब्रिज एटम के जैसा जैसे ही काम करेगा वैसे ही ये एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि पहले से एरोमेटिक था। ये क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन है और रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑड में है, तो 5 है और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इस चीज को ये भी लिख लेना, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब ग्रुप के जगह पर क्या क्या हम रख सकते हैं, तो ग्रुप के जगह पर हम एनिलीन रख, CH2 रख सकते हैं, NH रख सकते हैं, ऑक्सीजन रख सकते हैं, सल्फर रख सकते हैं, सल्फर रख लो, ऑक्सीजन रख लो, NH2 रख लो, तो यहां पर कोई भी रखेंगे तो चलता है। जैसे हमने अगर मान लो यहां पर रिंग बनाया, हमने यहां पर रिंग बनाया और रिंग में यहां पर हमने रख दिया NH2। अब हम पूछे कि क्या ये एरोमेटिक है, आप बोलोगे हाँ है, क्या ये एरोमेटिक है, तो हाँ ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है, हाँ ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है, कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए हाँ एरोमेटिक है। यानी 10 एनुलिन में एरोमेटिक होगा जब उसको दो हाइड्रोजन को हटा के एक ग्रुप लगा दिया जाएगा ब्रिज एटम के जैसा, तो ये रिंग अब आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, रेजोनेंस भी होगा और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके, हकल्स रूल को फॉलो करेगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, बट दिस वन इज नॉट एरोमेटिक। तो ये हमारा रहा 10 एनुलिन का एक्सप्लेनेशन। अब मुझे इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, ये एरोमेटिक बोलना है, एरोमेटिक बोलना है, एरोमेटिक बोलना है। अब यहां पर मैं उस एरोमेटिक का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं जो पहले से हम सीख लिए, जो थोड़ा आसान होता है वो हमने सीख लिया है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं जो हमें रिक्वायरमेंट है इस लेवल पे, इस लेवल पे थोड़ा हायर लेवल पे हमें रिक्वायरमेंट है कि अगर ये दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल इंफॉर्मेशन है और क्या है, इंफॉर्मेशन है, केवल हम जानेंगे अगर तो चीजों को हम क्यों उसको अब बता सकते हैं आसानी से हम। अच्छा, ये चीजें कब तक आपको देखना है, केवल 10 एनुलिन तक देखना है, सब क्लियर हो गया होगा, 10 एनुलिन तक देखना है, ये आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, ये सेम प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, 10 के बाद एनुलिन में नहीं देखना है, ये सारे चीजें क्लियर हो गए होंगे। चलो अब हम
12 में देखते हैं, ठीक है। तो 12 में अब याद कर रखना कि 12 में अगर दिया जाए आपको, तो आपको ये नहीं चेक करना होगा कि यहां पर रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं, अब हम रिपल्सन नहीं सोचेंगे। सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच रहा है? यहां पर रिंग का ये डिस्टेंस कम था और वैंडरवाल रेडियस ज्यादा हो जा रहा था, दोनों का सम, दोनों का रेडियस, वैंडरवाल रेडियस का सम इस कार्बन के डिस्टेंस से ज्यादा हो जा रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसलिए हम 10 के बाद यानी 12 एनुलिड में हम रिपल्सन के बारे में नहीं सोचेंगे। तो बताओ कितने हैं आप, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, इवन नंबर में 12, यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है और क्या है, रिजोनेंस है। तो बताओ क्या होगा, ये तो या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो बताओ क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? आंसर है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो जो हमें एक्सप्लेनेशन करना था वो 10 वाला में करना था, वो वाला नॉर्मल ऐसे ही होगा जैसे हम जानते हैं, ठीक है। 12 अगर आ गया तो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, उसमें कोई मतलब अलग से चीजें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जो रिजोनेंस होगा ना वो बाहर से बाहर सर्कमफ्रेंस पे ऐसे, यहाँ ऐसे होगा, ठीक है, इधर से इधर बाहरी साइड से रिजोनेंस होगा, बराबर है? तो यहाँ हाइड्रोजन को रहने से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो कि हमने एनुलिन ले लिया, अच्छा एक ही रिंग है ना, ये सिंगल रिंग है इसलिए एनुलिन बोला जाता है इसको, तीसवा लीजिए एनुलिन, क्योंकि ये सिंगल मोनो मोनो रिंग है, एक ही रिंग है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा 14 वाला एक स्ट्रक्चर बनाओ तुम लोग, 14 वाला, अब एनुलिन 14 वाला बनाओ, तो एनुलिन 14 वाला क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ना। एक उसके बारे में तो हम नॉन प्लेनर के बारे में नहीं सोचेंगे, हमें किसके बारे में सोचना था, 8 और 10 के बारे में। 8 के बारे में तो पहले हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो 10 के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया आज, लेकिन 10 पे ग्रुप लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। 8 वाला एनुलिन और 10 वाला एनुलिन क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन 10 वाला एनुलिन पे अगर ग्रुप लगा रहेगा, उस हाइड्रोजन को हटा के ग्रुप लगा दिया जाए तो वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना आप। 12 वाला एनुलिन एंटी एरोमेटिक में जाएगा, 14 वाला एनुलिन तो उसको ड्रॉ कर लो, 14 वाला सारे ड्रॉ करो, कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, एक हटाते हैं, ऐसे लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 14 एनुलिन हो गया,
इसको बोलेंगे 14 एनुलिन। ये क्या होगा, 14 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ठीक है, इसको लिख लो आप, एरोमेटिक है। कितना भी हाइड्रोजन यहां लगा रहेगा ना, वो रिप्रेजेंट करके देगा, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। 14 एरोमेटिक, क्लियर हो गया 14 वाला। डबल सिंगल 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 डबल। अच्छा, ये भी एनिलिन में आएगा। दिस वन भी एक्ट है जी एनिलिन। कितना एनिलिन बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 18 एनिलिन। अब बताओ ये एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, बताओ 18 एनुलिन एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है, ऑड नंबर पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, ये क्या हो जाएगा। क्या होगा ये, एरोमेटिक। ठीक है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, और क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, कोई आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, इधर इधर रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल डबल 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 डबल सिंगल डबल, इधर ही रेजोनेंस होगा पेरिफेयर पे। लिख लिए, डबल सिंगल 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 डबल। चलो 14 18, अब मुझे बताओ क्या ये एनुलिन है या नहीं है। ये जो एग्जांपल ये लिखा हुआ लास्ट वाला, ये मुझे बताओ एनुलिन है या नहीं है। This one will be aniline or not? ये aniline नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रिंग नहीं है, बहुत सारा रिंग है, बहुत सारा रिंग है। अब देखो ये जो चीज है ये वाला, इसी से मिलके बना हुआ है। इसमें आप क्या करोगे, अगर रिंग बनाओगे ना, इसमें रिंग बनाओगे, ये वाला जोड़ोगे ऐसे,
ये वाला जोड़ोगे ना, ये अपने आप एक रिंग इसके जैसे तैयार हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये अब पूछा जाए एरोमेटिक है क्या है, तो अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें रिंग में रेजोनेंस नहीं है, देखो यहां sp3 है, यहां sp3 है, और हमने पढ़ा भी है कि एरोमेटिक होने के लिए sp3 जब होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन यहां sp3 है, ये रिंग पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ये एनुलिन के एग्जांपल में नहीं आता है, ये नॉर्मल ऐसे एग्जांपल में आएगा। तो यहां sp3 है, यहां sp3 है, तो ये एरोमेटिक कैसे बन गया? तो इसके लिए बोला जाता है ये कि ये जो रिजोनेंस करवाता है ये केवल पेरिफेरल में करवाता है, ये बाहरी साइड से ऐसे करवाता है, इस रिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। और ये रिंग sp3 क्यों बोला जाता है? आउट ऑफ प्लेन होने के लिए, आउट ऑफ प्लेन होने के लिए sp3 नाम लिया जाता है। मेन वहां पर्पस ये है, sp3 होना कोई ऐसा थोड़ा एक लॉजिक उसका होना चाहिए कि sp3 क्यों होता है। तो sp3 होने के लिए लॉजिक ये है कि आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जब प्लेन चला जाता है तो वहां रिजोनेंस रुक जाता है, लेकिन यहां रेजोनेंस तो इधर हो रहा है ना, इस रिंग से उसको क्या लेना देना है? तुम आउट ऑफ प्लेन जाओ, उससे क्या हमें फर्क पड़ता है? ये मत उसको रटना कि sp3 होना चाहिए तब एक एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक के लिए sp3 इसलिए बोल दिया जाता है कि आउट ऑफ प्लेन, sp3 आउट ऑफ प्लेन होता है और उसमें रेजोनेंस रुक जाता है, इसलिए sp3 बोल दिया जाता है। लेकिन जब यहां रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो तुम आउट ऑफ प्लेन रहो, उससे हमें क्या लेना देना है? रिजोनेंस इधर हो रहा है, पेरिफेरल में हो रहा है, तो इस रिंग तो तुम आउट ऑफ प्लेन रहो, समय क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहां sp3 भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिंग एरोमेटिक हो जाता है क्योंकि इसके पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन है और रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस होगा, इधर रिजोनेंस ही हो रहा है, डबल सिंगल 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 डबल इधर रिजोनेंस ही हो रहा है। तो देखो ऐसे केसेज में सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का, अलग अलग रिंग का मत काउंट करना कि यहाँ 2 काउंट किए, यहाँ 4 काउंट किए, नहीं, टोटल काउंट कर लेना एक ही बार, यानी कि 2 यहाँ काउंट किए, 4 यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ, हम अलग अलग रिंग के लिए देख रहे हैं, नहीं, ऐसे केसेज में सारे जितने भी रिंग है ना, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, सारे पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ काउंट कर लेना है क्योंकि वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड में है ना, इसीलिए एरोमेटिक बन जाता है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये नहीं कि सर इस रिंग में 2 है इसमें तो 4 है, नहीं ऐसे सर एक एरोमेटिक है एक, ऐसा नहीं काउंट करे, वो दूसरे वाला केस में हमने बताया था, यहां पर सारे काउंट कर लेना एक ही बार, ऐसे केसेस में कहीं भी अगर आए तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन एक ही बार काउंट करो, अगर एक से ज्यादा रिंग है तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, समझ में आया क्या? आपको याद होगा नेप्थिलिन का एग्जाम्पल, नेप्थिलिन के एग्जाम्पल में 2 रिंग कंबाइंड होते थे, एंथ्रासीन नेप्थिलिन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो सारे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड नेप्थिलिन, ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो एनुलिन वाला समझ में आ गया होगा, एनुलिन वाला 2 वाला 6 वाला 10 वाला 14 वाला 12 वाला भी था, 12 वाला 18 वाला भी, और ये एनुलिन में नहीं है उसको मिला के बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखने का एनुलिन वाला, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान दो, ये जितना भी सब करवा रहा हूं सब टिपिकल है, ये बिना इसकी जानकारी के गलतियां हो जाएगी।
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल। अब मुझे बताओ ये रिंग, अच्छा ये तो एनुलिन में नहीं आएगा, अब मुझे बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, जल्दी से बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 बोले तो 8 इवेन, यानी ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, 16 पे एंटी होता है ना, 2 6 10 14 18 22, और ये होता है 4 का टेबल याद कर लो, 4 8 12 16 18 20, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे एंटी एरोमेटिक, ये तुरंत हो जाएगा रॉन्ग, और ये होता है एरोमेटिक। इसको भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो देखने में होता है वो होता नहीं है, तो सब चीजें टिपिकल एग्जांपल है, उसको हमें जानना पड़ेगा ये होता है। अब होता क्या है इसमें, जब हम इसमें एक्चुअली रिएक्शन करवाते हैं H2PD से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, अच्छा जो चीजें रिजोनेंस में पार्टिसिपेट है वो उस पर हाइड्रोजन क्यों अटैच होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ हमें ऐसा मिल जाता है, कैसा, हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, ठीक है ना, बन गया ना, 1 2 3 4 5 6 डबल यहाँ एक चीज थोड़ा सा वो हो गया है, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, अल्टरनेट नहीं आ रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। होता क्या है, ये जब H2PD से रिएक्शन कराया जाता है तो ये दोनों यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। तो कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि जब वो रिजोनेंस में है, जब घूम रहा है, तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ के इसने हाइड्रोजन कैसे लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है, दिस डबल बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस, दिस वन इज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है। कैसे समझ में आया, जब रिएक्शन हुआ तब समझ में आया कि कोई और पाई बॉन्ड नहीं टूट रहा है और ये टूट जा रहा है, इसका मतलब वो कंजुगेशन में नहीं है, इसका मतलब वो रिजोनेंस में नहीं है, इसीलिए टूट रहा है, अगर वो कंजुगेशन में होता तो स्टेबलाइज होता, और वो टूटता क्यों फिर, इसका मतलब ये टूट के बन गया, तब हमें समझ में आ जाता है कि ये पाई बॉन्ड रिजोनेंस में नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा एग्जांपल मिलेगा ये वाला ये ही वाला, तो आप इस पाई बॉन्ड को काउंट मत करना, अब क्या काउंट करोगे, 2 4 6 8 10 12 और 14, 16 नहीं बोलोगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे, जो कि एरोमेटिक होता है। तो यहां पर इसको लिख लोगे कि दिस पाई बॉन्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस, तो इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ जब हम H2PD से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो या तो आपको ये दिया जाए या तो ये दिया जाए, ये तो दिया जाए तो आप समझ लोगे आसानी से, क्योंकि इसमें 14 दिख रहा है, लेकिन ये दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला जो है वो टूट जाता है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट्स व्हाई इसको हमें काउंट नहीं करना है। इसलिए आप जो काउंट कर रहे थे वो गलती काउंट कर रहे थे, क्योंकि हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। इसके आगे हमने आपको आज एनुलिन वाला करवाया, एनुलिन वाला लगभग हमारा एंड हो गया, कल हम इसके आगे बताते हैं, ठीक है, टिपिकल टिपिकल जो भी होगा।